नमस्कार, सलाम अलैकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ये बताओ, 7 साल का मेरा बच्चा चला गया। हम लोग तो उसी को लेके उसी के सहारे पर हम लोग जी जाते कि चलो हमारा बच्चा, अगर मेरा कुछ भी गया, मेरा बच्चा बच गया होता, लंगड़ा लूजा भी होकर बच गया होता। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जहाँ एक तरफ आज के समय में सबसे सुगम साधन बनते जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हादसों का कारण भी बन रहा है और कहीं न कहीं मौत का साधन भी बन रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया अभी हाल ही में वसईपुर से, जहां वसईपुर के रामदास नगर में इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फटने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। दरअसल पूरी जानकारी जो सामने आई वो इस तरह से है कि वसईपुर रामदास नगर में रहने वाले शाहनवाज अंसारी, इन्होंने 23 तारीख को अपने इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी निकालकर रात को 2:30 बजे अपने घर के हॉल में चार्ज में रखी थी। वहीं पास में इनका बच्चा सोया था। बच्चे का नाम शब्बीर शाहनवाज अंसारी, वो अपनी मां के साथ सोया हुआ था। रात को 2:30 बजे बैटरी को चार्ज में रखा गया। घंटे 2 घंटे की चार्जिंग के बाद लगभग 5 बजे के आसपास ओवर चार्जिंग हुई या शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, लेकिन अचानक से वो बैटरी फट गई और तब बैटरी के संपर्क में आने से शब्बीर शाहनवाज, जो 7 साल का बच्चा है, वो झुलस गया। 70-80% झुलस गया। साथ ही साथ उसकी मां रुखसाना अंसारी भी झुलस गई। बाद में कुछ दिनों के इलाज के बाद भी शब्बीर शाहनवाज अंसारी को बचाया नहीं जा सका और ये मासूम बच्चा मौत की नींद सो गया। हालांकि रुखसाना की जान बच गई और इस तरह से एक परिवार का चिराग जो है वो बुझ गया। आज के जमाने में जब पेट्रोल और डीजल के दाम काफी बढ़ चुके हैं, ऐसे में सरकारें खुद लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक प्रयोग के तौर पर लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जहां जेब का खर्च कम करता है, वहीं पर्यावरण को भी फायदा करता है। लेकिन इस तरह से बैटरी फटने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक भय जरूर पैदा होता है। कई बार मोबाइल डिवाइस की बैटरी भी फटने की खबरें आती है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा विकल्प जरूर है, लेकिन उसमें अभी सुधार की काफी जरूरतें हैं। इससे पहले भी इलेक्ट्रिक कार में भी आग लगने की ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं कंपनियों को इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सुधार किए जाने की काफी आवश्यकता है और लोगों को जागरूक किए जाने की भी काफी आवश्यकता है कि किस तरह से बैटरी को चार्ज करना चाहिए, क्या चाहिए। अभी ये जो मामला है शब्बीर शाहनवाज अंसारी की मौत का, इस मामले में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। यहां एक बच्चे की जान गई है, पुलिस जांच कर रही है और जो कुछ होगा इस बच्चे की मौत के बाद इस परिवार को कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग कंपनी द्वारा मिलना चाहिए ताकि कम से कम उनका घाव भर सके। तो अभी के लिए इतना ही। देखिए इस घटना से संबंधित जानकारी। नमस्कार। क्या दीदी, घटना घटी, हम लोग नींद में सो रहे थे, ये बैटरी इतना तेजी से आवाज आया फटाक, एकदम घर में अंधेरा। कितने साल का बच्चा था और कैसे कैसे हुआ? अभी 7 साल का नहीं था। आप लोग सोए हुए थे? हाँ, नींद में थे हम लोग सोए। मुझे सब पता है कि बैटरी कभी लगाया गया था, कितने देर तक लगा था बैटरी? वो लगा, मेरा ख्याल से वो 2:30-3 बजे लगाया था। वो 2:30-3 बजे अगर लगा था तो ऐसे इतना जल्दी कैसे वो चार्ज हो जाएगा? 5 बजे जब फटी तो कितना घंटा हुआ, उसका भी तो कुछ होता होगा। लास्ट हुआ था आग लगी थी, वो एकदम पूरे बैटरी फटी, ऐसा धुआं पूरे घर में फैल गया, अंधेरा हो गया घर में, हम लोग को कुछ दिखा नहीं और हम लोग इधर ही सोए ही थे। क्या क्या उसमें नुकसान हुआ था? अब घर में राशन वसन हम लोग सब भराए थे, मतलब उसी दिन भराए थे कि चलो अपना रहेगा, टीवी था, पंखा था, ये सब कुछ था, इधर ही सब हम लोग का रखा था। हम लोग का देह पर एक बस्तर नहीं बचा कि हम लोग पहन ले। कार्रवाई का होना चाहिए ना, ऐसा देंगे तो आज हमारा बच्चा गया है तो समझ लो एक ही गया है। मैं तो जली थी तो मैं बच गई,
मगर हमारा एक ही बच्चा गया है, और हो सकता है कि और देगा कंपनी तो, और आगे वाले भी किसी का दो आदमी किसी का चार आदमी, ऐसे कंपनी को तो बल्कि सील कर देना चाहिए, ऐसे कंपनी चला के क्या मतलब है। और हमारा बच्चा तो बच्चा गया, हम भीख मांग मांगे अपने बच्चे का इलाज कराए, हम लोग गरीब आदमी भैया कहाँ से लाएंगे, जो दिया है वो तो मान। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।